सो हे गाइस, सत्यम हियर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरिद्वार के पावन धरती पर, जिसे देवों की भूमि कहा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर हरिद्वार यानी हरि का द्वार। और दोस्तों, मैं यहाँ से चलने वाला हूँ हर की पौड़ी हरिद्वार, और वहाँ पे मनसा मंदिर, जो भी मंदिर है सारा मैं घूमूंगा। और दोस्तों, जैसे ही आप हरिद्वार जंक्शन पर आओगे और ब्रिज से उतरोगे, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा सुनहरा दृश्य नज़र आएगा। वो दृश्य क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे जंक्शन से उतरोगे तो देख सकते हैं पीछे आपको इस तरह से हरिद्वार मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे चारों ओर का मैं नज़ारा अगर दिखाऊंगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको भोले बाबा का प्रतिमा नजर आ जाएगा, जो कि काफी बेहद खूबसूरत बनाया गया है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, और दोस्तों मैं जब अगर पीछे की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, दोस्तों एक अच्छा सा दृश्य और बनाया गया है। और यहाँ पे वो क्या दृश्य हो सकता है, आप लोग इमेजिन करें। और दोस्तों, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि आखिर वो क्या सुनहरा नजर है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि पीछे महादेव यानी भोले बाबा का जो कि सुनहरा दृश्य पिक्चर यहाँ पर बना हुआ है। और दोस्तों, यहाँ से अब निकलेंगे हर की पौड़ी, जो कि वहाँ पर गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद प्रस्थान करेंगे ऋषिकेश की तरह। तो आपको इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पहुँच चुका हूँ हर की पौड़ी के पास, जो कि मैं आप लोगों को बताया था वहाँ चलूँगा, यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पर काफ़ी सारा भीड़ है, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊँगा काफ़ी सुनहरा नज़र, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। और गंगा घाट है, उसमें स्नान करूँगा, काफ़ी डुबकी लगाऊँगा, आपको गंगा की लहरें दिखाऊँगा, ठीक है, तो मैं बैक कैमरे से दिखाऊँगा। तो चलिए, वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, अब चलता हूँ गंगा घाट पर। तो दोस्तों, जैसे ही आप हर की पौड़ी के पास पहुंचोगे, तो इस तरह का आपको देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, और ये मेन द्वार है, आपको यहाँ पर मेन द्वार आपको नज़र आ जाएगा।